फिर अपन दोस्तों एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, ये आपके एसएससी सीजीएल एसएचसीएल एमपीपीएससी आरआरबी एनटीपीसी बैंक पीओ किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ सकते हैं। दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपने बहुत सारे किए होंगे, लेकिन कुछ बड़ा क्वेश्चन भी करने की सोचिए। तो दोस्तों बड़ा क्वेश्चन करने की सोचेंगे और एग्ज़ाम में बड़े ही पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 80-60-70 नंबर तो हर कोई रहते हैं, लेकिन नौकरी कहाँ लगती है, 80 नंबर से ऊपर आते हो तब नौकरी लगती है ना। कंपटीशन रहता है 10-1 नंबर के बीच में रहता है, और वही क्वेश्चन ही 10 नंबर के बीच में रहता है, बीच का क्वेश्चन, कि क्या आप इस क्वेश्चन के आंसर दे पाते हैं। अगर दे पाते हो तो ये ऑप्शन आप सामने देखिए, इसमें 40, 50, 68, 78 चार ऑप्शन आप सामने दिख रहे हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा ज़रा कमेंट कीजिए। तो देखिए दोस्तों आप कमेंट कर रहे हैं, आपने कमेंट कर दिया होगा। देखिए इसमें मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कितने होते हैं, देखो इसमें यहाँ पे कितने फिगर है, तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः इधर से हो रहे हैं, इधर से भी काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः इधर से भी है, इधर से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इधर से भी 6 हैं, इधर से भी 6 हैं और इधर से भी 6, यानी कि तीनों एंगल से इसमें 6-6 बन रहे हैं, कितने दोस्तों 6। इस एंगल से भी गिनेंगे तो 6, इस एंगल से गिनेंगे तो 6 और इस एंगल से भी गिने तो 6, यानी कि सिमेट्री फिगर, सिमेट्री चारों तरफ से बराबर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये चार ऑप्शन आपने कमेंट कर दिया होगा, तो ये दोस्तों देखते हैं। देखिए 6 नंबर तक है, तो सबसे पहले 1, 2, 3 इसको उस तरीके से नहीं करना, एक तरीका और है, जैसे यहाँ 4 होता है 5 होता है उसका एक तरीका होता है कि मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, जैसे कि उसमें होता है कि जैसे यहाँ 4 होता है तो अपने 4 का स्कोर कर दिया, जैसे मैं 4 तक का आपको एक बार समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि यह 4 तक ही है, कितना है 4 तक ही है, इधर से भी 4, इधर से भी 4, इधर से भी 4, अगर 4 6 नहीं है 4 ही है, तो आपने क्या करा, एक सूत्र पहले भी 3 और 4 में फॉलो होता, वो जैसे कि 4 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 5, 4 चौक 16, 16 दोनों 32 -5 = 27। तो ये तरीका केवल 3 और 4 के लिए ही फॉलो है, 5 और 6 के लिए फॉलो नहीं है, इस 5 और 6 के लिए ये अगला तरीका है, 5 और 6 में अगला तरीका अपनाना पड़ेगा, 5 और 6 में अगला तरीका अपनाना पड़ेगा। देखिए और ये जो तरीका है ये सब में फॉलो है, ये तरीका हम बताने जा रहे हैं, तरीके सब में फॉलो होगा। देखिए जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः तक अंक लिख लिए, अब देखो ये एक के सामने तो एक ऐसे ऐसे लिख देंगे, अब इसमें ये 2 जोड़ देंगे, तो 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6 होगा, 6 में 4 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 5 प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 6 प्लस करें 21 हो जाएगा। अब दोस्तों इनको जोड़ लें, देखो 3, 1, 4, 6, 10, 10, 10, 20, 20, 10, 10, 10, 5, 35, 35 और 1, 36, 36 और 20, 56। अब यहाँ से एक नीचे वाला, नीचे से एक अंक छोड़ते हुए चलेंगे, नीचे से एक अंक को छोड़ते हुए चलेंगे, तो इसको छोड़ दिया तो इसको ले लिया, यानी कि अपने 15 को इसको ले लिया, फिर इसको छोड़ दिया इसको ले लिया, इसको छोड़ दिया इसको ले लिया, यानी कि अपनों ने क्या कह लिया 1, 6, 15 ये अपनों ने ले लिए, तो 15, 6, 21 और 1, 22 तो इनको प्लस करेंगे तो 6, 2, 8 और 5, 9, 7 78, तो 78 डी ऑप्शन अपना मैच कर गया, और ये तरीका इसमें भी फॉलो होगा। मैंने आपको बताया कि ये तरीका सभी में फॉलो होगा, ये जो तरीका ये सभी में फॉलो होगा, ये हम आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 में 27 आ रहे हैं, कि 4 में ये तरीका फॉलो होता है या नहीं देख लेते हैं एक बार।
कि चार में तरीका फॉलो होगा। तो चार में तरीका फॉलो होता है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देखो ये हम बता दो आपको, चार में तरीका फॉलो होगा। देखो यहाँ से चार के लिए कहा ना मैंने, चार 27 आ रहे हैं, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, ये चार हो गए। अब यहाँ से तो अपनों ने एक लिख दिया, एक ने दो कितना हो गया, तीन, तीन ने तीन कितना हो गया, तीन ने तीन 6 हो गया, 6 ने 4 कितना हो गया, 10 हो गया, है ना। अब इनको जोड़ लो तो 3 ने 4 ने 6 10 ने 10 कितना हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया। अब नीचे से एक अंक को छोड़ दो, एक अंक को छोड़ दो, अगला ले लो, फिर अगला छोड़ दो, अगला ले लो। तो ऊपर से अपने एक ले लिया, फिर 6 ले लिया, तो 6 ने कितना हो गया, 7 हो गया, 20 ने 7 27 हो गया, 27 हो गया। तो ये तरीका देखो, इस तरीके 27 आए और स्क्वायर करने से 27 आए, तो ये तरीका अपने इसमें फॉलो हो गया, लेकिन इससे भी 27 आ गए। और अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो ये तरीका इस 5 और 6 में ये तरीका फॉलो नहीं होता है। इस तरीके से अपने सॉल्व किया 27 आ गए, इस तरीके से किया तो भी 27 आ गए, लेकिन ये जो 6 है इसका अगर इस तरीके से करेंगे तो 78 नहीं आएगा, 78 नहीं आएगा, 78 नहीं आएगा। देखते हैं, देखो यहाँ 6 है ना, कितना है 6, तो देखो ये नियम है कि 6 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 5, 6 कितना हुआ, 36, 36 इंटू 2 माइनस 5, 36 दूनी 72, 72 में से 5 गए, 72 में से 5 गए, 36 दूनी 72, 6 36 दूनी 72 में से 5 गए, तो 2 और 3 गए तो 77, ये 77 आ रहा और ये 78 आ रहा, एक अंक का डिफरेंस आ गया, एक अंक का डिफरेंस आ गया, यह 78 आ रहा है और यह 77 आ रहा है, ये इसमें मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये तरीका आप 5 और 6 में नहीं लगाएं। 5 में चेक करके देख लेते हैं, देखो 5 का ही तो चेक करके देख लेते हैं एक बार, देखो 5 का देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ देखो ये तो एक है ही सही, 1 ने 2 3, 3 ने 3 6 6 ने 4 10 10 ने 5 15, इनको जोड़ लेते हैं, तो देखो 3 ने 4 ने 6 10 10 20 20 और 20 10 30 ने 5 35, फिर नीचे वाला एक अंक छोड़ दिया, एक अंक को ले लिया, है ना, फिर अगला छोड़ दिया, फिर अगले को ले लिया, इसको छोड़ दिया, तो 10 ने 3 13 और प्लस कर दिया इसमें, तो 5 ने 3 8 3 ने 1 4 48 हो गए, कितने हो गए, 48 हो गए। अब इसी को अपन 5 का उस तरीके से करते हैं, देखिए स्क्वायर वाले कि 5 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 5, तो देखो 5 5 25 दूनी 50 माइनस 5 यानी कि 45, देखो इसमें आ रहा 45 और इसमें 48 आ रहा है ना, अंतर कहाँ बराबर कहाँ मैच कर रहा है, इसलिए ये तरीका जो अपन लगाते हैं ये केवल 3 त्रिभुजों और 4 त्रिभुजों तो ही लगेगा, 3 और 4 से अगर ज़्यादा हैं तो आप फिर ये वाला तरीका अपना है, ये वाला तरीका अपना है, ये वाला तरीका मैं आपके बिल्कुल सही रहेगा, ये वाला तरीका सब में फॉलो है, ये वाला तरीका ये सभी में फॉलो है। इसमें 6 त्रिभुज थे तो 6 के अपन काउंट कर लिए, देखो 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21, बिल्कुल सही है, एक अंक छोड़ा 15 ले लिया,
फिर अगला चौड़ा छः को ले लिया, अगला चौड़ा एक को ले लिया, सात ने 22 हो गए, और चार ने 6 10 ने 10 20 ने 20 ने 10 30 35 ने 36 36 ने 20 56 6 2 8 5 2 7 78 इससे 78 आ रहा है, उससे 77 आ रहा है, इन्हें डिफरेंस आ रहा है। तो ये तरीका अपना बिल्कुल सही है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।